नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने आज भी एक लाइव ट्रेड लिया है। देख सकते हो अभी मैंने दो ही लॉट शॉर्ट किए, 30,800 का पुट शॉर्ट किया है। और पुट शॉर्ट करने का मतलब होता है कि मार्केट बुलिश होना चाहिए, उसका मोमेंटम अपवर्ड साइड होना चाहिए। तो मेरा स्कैल्पिंग का टारगेट रहेगा वो 25 से 30 पॉइंट का रहेगा, और स्टॉप लॉस भी दिखा देता ऑर्डर में जाके। अभी मैं आपको, मैंने फिलहाल पहले टाइम जो स्टॉप लॉस लगाया वो 10-11 पॉइंट का है, 375 के ऑलमोस्ट, 375 के पास हमारा सेलिंग प्राइस है। और स्टॉप लॉस भी मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, फिलहाल देख सकते हो 1400-1500 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है अभी, और एम रहेगा 1500 से मोर देन। देख सकते हो 387.55 का हमारा स्टॉप लॉस था, पहला 11 पॉइंट का था, उसको भी ट्रेल करके 371.75, मतलब कॉस्ट के भी नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लेके आ चुके हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा, अभी लगता है मुझे कि स्क्वेयर अप करना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग का ट्रेड है तो ज्यादा समय वेट करना अच्छा नहीं होता। लिमिट या मार्केट, चलिए मार्केट ऑर्डर में स्क्वेयर अप करता हूँ, उसके बाद बड़ी स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा और कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देख सकते हो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों, हम अभी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो 1450 का हमने प्रॉफिट बुक किया, लगभग 1500 के आसपास हमने आज का प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों। अभी देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, वहां पे जाके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो लॉट शॉर्ट किए थे 925 को और कवर कर दिए थे 928 को, मतलब विद इन 3 मिनट्स हमने प्रॉफिट बुक किया था। तो मैं अपना हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको दिखा देता हूँ, आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल भी। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हम सुबह कॉल दिए थे आज ICICI बैंक बाय करने के लिए, बताया था 514 से लेके 516 के बीच में बताया था, उसका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बताए थे। देख सकते हो TVS मोटर सेल करने के लिए दिया था, लेकिन हमारे जो फैक्टर्स थे वो सपोर्ट नहीं किए, ओपनिंग प्राइस थोड़ा ऊपर हो गया, इसलिए मैंने उसको भी मैसेज किया था नीचे कि आज इसको सेल नहीं करना है। तो देख सकते हो जो फर्स्ट टारगेट था ICICI बैंक का वो अचीव हो चुका है 518 का, उसके बाद 520 का सेकेंड टारगेट था, उसमें ऑलमोस्ट हाई लगा चुका है कि 519.50, मतलब ऑलमोस्ट दोनों टारगेट हमें मिल चुके हैं। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, डेली हम फ्री कॉल प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो चलिए आज का लॉजिक समझने के लिए हमें निफ्टी बैंक के स्पॉट के चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। देख सकते हो निफ्टी बैंक का स्पॉट का चार्ट है, मार्केट आज थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, 150 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ये कल का क्लोजिंग प्राइस है। तो हम आज का टाइम और डेट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आज का टाइम और डेट भी। देख सकते हो अभी दोस्तों मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब बज चुके हैं 10:30 बजे के आसपास का टाइमिंग है, और डेट देख सकते हो 20 December है। तो दोस्तों लॉजिक क्या था, मैंने पहले ही बता दिया था कि स्कैल्पिंग का ट्रेड है तो इसमें टारगेट भी आपका थोड़ा ही रहता है और स्टॉप लॉस भी थोड़ा ही रहता है। इसमें कोई ट्रेंड पकड़ने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि आपका पहले से माइंडसेट फिक्स रहता है कि मैं स्कैल्पिंग करने वाला हूँ, तो स्कैल्पिंग में आपका टारगेट भी 20-25-30 मैक्सिमम 40 पॉइंट का रहेगा, तो स्टॉप लॉस भी उससे कम या बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हो। तो देखा कि वीडियो में आपने मेरा स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट का और टारगेट लिया 30 पॉइंट का, तो मतलब इसका क्या हुआ, मेरा आर आर रेशियो कितना हुआ दोस्तों, 1:3 हुआ। मतलब अगर मैं नेक्स्ट दो ट्रेड ऐसे लेता हूँ फिर भी मेरा स्टॉप लॉस 500 का जाएगा, लेकिन मेरा टारगेट आ जाएगा 1,500 रुपये का आ जाएगा, मतलब मेरा स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट बड़ा है। तो ये चीज़ आपको सीखनी है, और ये चीज़ सीखने के लिए आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। तो मुझे, मेरे हिसाब से आज का जो मार्केट रहने वाला है वो वोलेटाइल सेशन रहने वाला है, और थोड़ा साइडवेज भी रहेगा उसी के साथ साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहने वाला है। एंड ऑफ द डे मार्केट विद इन 200 से लेके 300 पॉइंट के बीच में, मैं रेंज दिखा रहा हूँ आपको, इसी के बीच में रहने वाला है। नीचे का रेंज रहेगा 30,500 और ऊपर का रेंज रहेगा 30,800 से लेके 900 तक, मतलब 300 से 400 के बीच आज का मार्केट रहने वाला है। वोलेटाइल सेशन रहेगा दोस्तों, बिल्कुल ही वोलेटाइल सेशन रहेगा, आप कोई ट्रेंड नहीं पकड़ सकते आज के दिन, क्योंकि मार्केट में जो बड़ा मूवमेंट होने वाला था वो विद इन मिनट ही हो चुका था। तो देख सकते हो अभी भी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला जा चुका है। तो ये था आज का लॉजिक ट्रेड लेने के पीछे। एक्चुअली हम जब स्कैल्पिंग करते हैं तो तुरंत निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका टारगेट छोटा रहता है और तुरंत अचीव हो जाता है, तो स्कैल्पिंग के लिए आपके पास प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है। आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।